वर्कशॉप क्रिटिसिज्म, किसका ये टी ए सी लेट का टर्म, मॉडल आंसर पेज वन क्वेश्चन नंबर देना है। वर्कशॉप क्रिटिसिज्म इज अ टर्म इन्वेंटेड बाय टी ए सी लेट, ये शब्द जो है वर्कशॉप टी ए सी लेट बनाया है। वर्कशॉप में क्या होता है, कारखाना का क्रिटिसिज्म, कारखाना का क्रिटिसिज्म क्या होता है तो समझिए। ही हैज यूज दिस टर्म इन इज एसे द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 का पब्लिकेशन है, याद नहीं वो डेट पंती की, तो ये उसका वर्ड है इस एसे में यूज़ किया है। अब देखिए मैं समझा रहा है, वर्कशॉप क्रिटिसिज्म मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री बाय पोएट्स, कवि जब क्रिटिसिज्म करने लगे तो उसको कहते हैं वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। इसीलिए आर्नॉल, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज आर वर्कशॉप क्रिटिक्स, ये सब वर्कशॉप क्रिटिक्स हैं। दे ऑल हैव कंपोज पोएम्स एंड आर ऑल्सो क्रिटिक्स, क्यों वर्कशॉप है, वो लोग कविता भी रचे हैं आलोचना भी करते हैं, इसलिए क्या हो गए वो लोग वर्कशॉप क्रिटिक्स हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टी एस लियट हैज कंपोज पोएम्स लाइक द वेस्टलैंड, जेरॉनशन, जर्नी ऑफ द मेजाई एसेट्रा। लियट हैज ऑल्सो रिटन क्रिटिकल एसेज लाइक फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एसेट्रा। सो लियट इज अ वर्कशॉप क्रिटिक, कविता भी रचा है और क्रिटिसिज्म भी लिखा है, तो क्या गया वर्कशॉप क्रिटिक। देखिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आर्नॉल्ड हैज कंपोज द पोएम द स्कॉलर जिप्सी एंड ऑल्सो रिटन द क्रिटिकल एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री, सो आर्नॉल्ड इज अ वर्कशॉप क्रिटिक। तो बहुत सारे वर्कशॉप क्रिटिक हैं, खाली ये नाम थोड़ा विचित्र लगता है, टी एस लियट का दिया हुआ नाम है। वर्कशॉप क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री बाय पोएट बाय पोएट हैज वन डिसएडवांटेज। देखिए वर्कशॉप क्रिटिसिज्म फिर दोबारा तीन बारह सर्वाएं समझाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री बाय पोएट हैज वन डिसएडवांटेज, एक नुकसान क्या है, अ क्रिटिक्स जजमेंट मे बी अनसाउंड आउटसाइड इज ओन आर्ट, और कवि एक तरह की रचना रचता है, यदि उसको दूसरी तरह की रचना मिल जाए ना तो आलोचना में दूसरे तरह की रचना को खराब कर बैठता है। देखिए ये है ये इसका तीसरे का ही कहना है कोटेशन फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। और देखिए क्रिटिसिज्म कोटेशन कैसे दिया जाता है, दो लाइन इधर छोड़े, दो लाइन इधर छोड़े, मार्जिन तब के इसे आज हम जान करके लाइन वाले पर लिख रहे हैं ताकि आप लोग सीखिए। अब तो ठीक है, अ बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ वर्कशॉप क्रिटिसिज्म इज इलियट्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर हैमलेट 1603। अब देखिए कहाँ इलियट गलती कर बैठता है वर्कशॉप क्रिटिसिज्म में, वो गलती उस बहुत 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 बड़ी गलती हो गया एलियट से हैमलेट के क्रिटिसिज्म। दी अन एजुकेटेड एंड एजुकेटेड द रिच एंड पुअर हैव एंजॉयड द ड्रामा हैमलेट फॉर मोर देन 300 ईयर्स, इस नाटक को लोग 300 साल से आनंद ले रहे हैं, इसका उनको खूब अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। बट इलियट कॉल्स दिस ड्रामा मोस्ट सर्टेनली एन आर्टिस्टिक फेलियर, लेकिन इलियट इस ड्रामा को आर्टिस्टिक फेलियर क्या बैठता है, कहे वर्कशॉप क्रिटिक है और शेक्सपियर जो है उसका लिखने का स्टाइल अलग है, टी एस के इलियट का लिखने का स्टाइल अलग है, तो इलियट को इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। इलियट अप्लाइज दिस थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड ट्राइज टू प्रूव दैट हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, और अपना थ्योरी लगाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, उसको हम समझाएंगे क्या कहना चाहता है, और फिर कहता है इसके आधार पर हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर। बट वॉट ही एक्चुअली प्रूव्स इज दैट अ वर्कशॉप क्रिटिक कैन बी नैरो माइंडेड, लेकिन आप सब इलियट कुछ क्या प्रूव करता है, ये साबित करता है कि वर्कशॉप क्रिटिक जो है संकीर्ण दिमाग का हो सकता है, उसको अपनी ही कविता अच्छी लगेगी, दूसरों की कविता दूसरों का ड्रामा उसको अच्छा नहीं लगेगा। शेक्सपियर हैमलेट इज आउटसाइड इलियट्स कॉम्पिटेंस, तो शेक्सपियर का हैमलेट जो है ना इलियट उसको समझ नहीं पाता, समझ के परे है उसको, इतना बड़ा आलोचक है वो, नोबेल प्राइज विनर, लेकिन वर्कशॉप क्रिटिक होने के कारण ये बेचारा हैमलेट को उसको अच्छा नहीं लगता। अब ये इधर देखा है यार बेटा, हैमलेट हैज रिटन 36 पोइटिक प्लेज, शेक्सपियर 36 तो नाटक लिखा है और इलियट ओनली 5, और इलियट का तो लिखा ओनली 5, ठीक है पंक्चुएशन पर ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं बोलो नहीं कॉमा है, ये 36 लिखा है इलियट लिखा 5 तो, और तब वो शेक्सपियर को आलोचना कर रहा है बेचारा। इलियट डिस्प्लेज इज बोगस स्कॉलरशिप व्हेन ही अप्लाइज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रॉन्ग वे टू एनालाइज शेक्सपियर हैमलेट, बोगस बना फालतू की विद्वता वो अप्लाई करता है शेक्सपियर के हैमलेट को, कहता है ये आर्टिस्टिक फेलियर है, ये बहुत अच्छा नाटक हम पढ़े हैं, बहुत बढ़िया नाटक है, लेकिन उसको इलियट फेलियर कह देता है। वर्कशॉप क्रिटिक एस टी कोलरिज इज क्लोजर टू द ट्रूथ व्हेन ही सेज, देखिए एस टी कोलरिज जो है वो सच बोलता है, द टेस्ट ऑफ गुड लिटरेचर इज इट्स कैपेसिटी टू प्लीज ऑलवेज एंड प्लीज ऑल, अच्छा लिटरेचर क्या है,
जो सबों को आनंद दे और सब समय आनंद दे, तो हैमलेट दे रहा है तो अच्छा सफल है वो नाटक। कोलरिज इज ब्रॉड माइंडेड, उदार विचार का। ही सेज इट इज नॉट इनफ दैट एरिस्टॉटल सेड सो, बेटर मैकेनिकल रूल्स वर ब्रोकन देन अ ग्रेट ब्यूटी वर ओमिटेड। पर एरिस्टॉटल के कुछ कहने से कोई बात साबित नहीं होता है। नियम टूट जाए सो भला, लेकिन सुंदर कला नहीं, उसको नहीं हटना चाहिए। सुंदर कला की रचना होनी चाहिए, समझे। तो कोलरिज कोलरिज सपोर्ट शेक्सपियर, कोलरिज शेक्सपियर को सपोर्ट करता है फॉर राइटिंग द ग्रेट प्लेज लाइक दैट ब्रेक द रूल्स ऑफ टाइम प्लेस एंड टाइम। कोलरिज जो है शेक्सपियर को सपोर्ट करता है, यद्यपि शेक्सपियर एरिस्टॉटल के नियम को तोड़ देता है। कौन नियम को? टाइम प्लेस और एक्शन। अब हम बात करते हैं लास्ट पेज मांगे, ये लास्ट पेज। अच्छा ये जो है ना, हम उम्मीद कर दिए, बहुत लंबा जा रहा था हमसे, आप भी देखिए उम्मीद करके फिर यहाँ चले आइए। टू कंक्लूड, द वर्कशॉप क्रिटिक्स शुड बी ब्रॉड माइंडेड लाइक कोलरिज। वर्कशॉप क्रिटिक को उदार दिमाग का होना चाहिए जैसे कोलरिज है। वर्कशॉप क्रिटिक्स शुड नॉट बी नैरो माइंडेड इन जजिंग द वर्क्स ऑफ अदर पोइट्स राइटर्स एंड ड्रामेटिक्स। और वर्कशॉप क्रिटिक को संकीर्ण नहीं होना चाहिए, यदि दूसरे का की कविता को आलोचना कर रहे हैं तो वो कविता भी अच्छी हो सकती है, वो भी नाटक अच्छा हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। और क्या कहते हैं, ठीक है।